कोलारम चाई काके कोलारम चाई छोड़ो भी ये निठुराई। सिनेमा में आवाज आने के साथ ही अच्छे लेखकों, शायर और कवियों की मांग बढ़ने लगी थी। उस समय कई मशहूर शायर और लेखकों ने सिनेमा का दामन थामा। ऐसे ही मशहूर शायर थे आरजू लखनवी, जो सिनेमा में आने से पहले ही खासे मकबूल हो चुके थे और इसकी वजह थी आसान उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल से गहरी बात कह जाने का उनका अंदाज। आरजू लखनवी वो पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू को फारसी और अरबी से अलग कर आसान बनाने की कोशिश की और आम लोगों की जबान पर चढ़ाने का काम किया। जबकि उन्हें अरबी और फारसी की अच्छी समझ थी, लेकिन उनके फिल्मी गीत रहे हों या नॉन फिल्मी गजल्स, उन्होंने कठिन फारसी शब्दों से हमेशा परहेज किया। इसीलिए उनके अशार सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। अपने समय के बेहतरीन शायर और गीतकार सैयद अनवर हुसैन आरजू, उनके जन्म को लेकर कई मत हैं, पर ज़्यादातर जगहों पर उनकी जन्म तिथि और साल 16 फरवरी 1873 है। आरजू के पिता मीर जाकिर हुसैन यास और उनके बड़े भाई यूसुफ हुसैन कयास का शुमार बेहतरीन शायरों में होता था। ऐसे माहौल में वो भी खुद को शायरी के जादू से बचा नहीं पाए और शेर कहने लगे। हालांकि काफ़ी वक्त तक ये बात घर वालों से छुपी रही। एक बार जब इनके वालिद के एक शागिर्द ने अपनी एक गज़ल इस्लाह के लिए दी तो वालिद ने उसे बड़े भाई के हवाले कर दिया। आरजू साहब भी वहीं बैठे थे, उन्होंने अनायास उसे ठीक कर दिया और तब घर वालों को उनके इस हुनर का पता चला। अपने पिता की तरह वो भी जलाल लखनवी के शागिर्द रहे और उसी दौरान वो दूसरे शागिर्दों को भी सिखाने लगे थे। उनकी शायरी में वो कमाल था कि 18 साल की उम्र तक आते आते उनका शुमार बड़े बड़े शायरों में होने लगा था और फिर जल्दी ही वो उर्दू अदब का एक जाना माना नाम बन गए। एक वक्त आया जब उन्हें अल्लामा के खिताब से नवाजा गया। शायरी में अपना परचम लहराने के साथ साथ उनकी रुचि थिएटर में हुई और फिर उनका एक नाटक प्रकाशित हुआ मतवाली जोगन, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और उसकी ख्याति कई थिएटर पर्सनालिटीज़ तक भी पहुंची। जब वो एक मुशायरे में भाग लेने कोलकाता गए तो पारसी थिएटर के कई बड़े निर्देशकों ने उनसे नाटक लिखने की पेशकश की और फिर वो शायरी करने के साथ साथ थिएटर के लिए भी नाटक लिखने लगे। और जैसे ही सिनेमा बोलने लगा, उस समय के कई बड़े लेखक सिनेमा से जुड़े। हालांकि कुछ को सिनेमा की दुनिया रास नहीं आई, मगर आरजू लखनवी एक बार सिनेमा से जुड़े तो फिर ताउम्र जुड़े रहे। उनके नाटक का मंचन न्यू थिएटर्स के मालिक बीएन सरकार ने देखा था और वो उनके लेखन प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने आरजू लखनवी को न्यू थिएटर्स में स्टोरी डिपार्टमेंट का हेड बनने की पेशकश की और इस तरह आरजू लखनवी न्यू थिएटर्स से जुड़ गए। वहाँ काम करने के दौरान आरजू लखनवी ने गीत लिखने के साथ साथ कहानी और संवाद लेखन भी किया। 1936 में आई मंजिल वो पहली फिल्म थी जिसके डायलॉग्स और सॉन्ग्स आरजू लखनवी ने लिखे थे। इसके बाद मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर और फिर दुश्मन में उन्होंने गीत लिखे। उन गीतों ने अपने वक्त में धूम मचा दी थी। करूँ क्या आसन रात भई, करूँ क्या आसन रात भई। फिर जवानी की रीत, नर्तकी, लगन, डॉक्टर जैसी फिल्मों के गीत भी बहुत मशहूर हुए। आज अपनी मेहनतों का मुझको समरा मिल गया। ये गाने पंकज मलिक या केएल सहगल के गाए गानों के कलेक्शन में मिल जाते हैं, मगर कुछ एल्बम्स पर गीतकार के नाम में आरजू लखनवी की जगह मुंशी आरजू लिखा मिलता है। 1942 में महबूब खान के बुलावे पर वो मुंबई चले गए। महबूब खान की फिल्म रोटी में बहजाद लखनवी और सफदर आह के साथ आरजू लखनवी ने भी गीत लिखे थे। देश की आज़ादी के बाद फिल्मों का रंग रूप बदल रहा था, नए नए गीतकार सिनेमा में प्रवेश कर रहे थे। उस समय आरजू लखनवी ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया।
कहते हैं कि वो वहां रेडियो से जुड़े रहे और 17 अप्रैल 1951 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिल्मों से इतर भी आरजू लखनवी ने हर तरह की शायरी की, लेकिन उनकी गजलें, गीत और मरसिया बहुत पसंद किए गए। उन्होंने हजारों गजलें लिखीं जिनमें ज्यादातर रोमांटिक थीं। उनके 7 दीवान मिलते हैं। उनकी शायरी का एक मशहूर कलेक्शन है सुरीली बांसुरी, जिसमें एक भी फारसी और अरबी का लफ्ज नहीं है, सिर्फ उर्दू और हिंदुस्तानी। उसी का एक बहुत मशहूर शेर है, जिसने बनाई बांसुरी गीत उसी के गाए जा, सांस जब तक आए जाए एक ही धुन बजाए जा। जहाँ तक आए जा एक ही धुन बजाए।